बिहार में इन दिनों जदयू और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ चुकी है और लगातार बिहार में जो शराबबंदी कई सालों से लागू है उसको लेके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठा दिया है। लगातार जदयू और बीजेपी के तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर जो है वो जारी है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के वरीय लीडर डॉक्टर सुनील जी, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लगातार सरकार साथ में चले लेकिन जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे आखिर इसके क्या मायने निकाले जाए। सर, लगातार जिस प्रकार से जदयू के प्रवक्ता और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल ने कहा कि मीडिया से हट के अगर आम आदमी और पुलिस के बारे में पता कर ले तो कहीं ना कहीं शराबबंदी की पोल खुल जाएगी, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, शराबबंदी बिहार में लागू करने के लिए सरकार कृतसंकल्पित है और सरकार के जितने घटक दल के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो भी शराबबंदी के समर्थन में अनेकों बार सरकार के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, अनेकों बार समर्थन अपना दे चुके हैं। और इसके बाद भी कुछ गैर कानूनी लोग होते हैं जो कानून तोड़ते हैं, उस पर कानून अपना काम करती है। इसमें कहीं भी किसी घटक दलों में किसी प्रकार का मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ किसी व्यक्ति के नेता के किसी बयान से पत्रकारों द्वारा एम्प्लीफाइड करके थोड़ा बहुत इधर इधर उधर मायने निकलते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में सरकार, एनडीए की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक चट्टानी एकता के साथ चल रही है। लेकिन जिस प्रकार से हमारा थोड़ी ना कहना है, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल बड़े लीडर हैं प्लस अच्छे पद पे हैं, सांसद भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से जो शराबबंदी है उसमें शराबबंदी के खिलाफ हम नहीं हैं लेकिन कहीं ना कहीं विचार करने की ज़रूरत है। वहीं जदयू के जो प्रवक्ता हैं अभिषेक झा वो लगातार कह रहे हैं कि जो संजय जायसवाल है वो प्रवचन दे रहे हैं। आखिर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा तो कहीं ना कहीं समाज में तो गलत मैसेज जाएगा। आखिर क्या लगता है आपको कि शराबबंदी आप ही की सहयोगी पार्टी है वो इस तरह से सवाल उठा रहे हैं? देखिए, माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी का वक्तव्य को अक्षरशः तो हमने नहीं सुना है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष हैं एक हमारे बड़े घटक दल के और उनका कोई सुझाव अगर आता है तो सरकार उसको सन्निहित करेगी, उसके अकॉर्डिंगली अपना काम करेगी। इसमें कहीं आरोप प्रत्यारोप के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी के समर्थन में उन्होंने वक्तव्य अनेकों बार दिया है। अगर शराबबंदी के क्रियान्वयन में उनके कुछ सुझाव होंगे तो सरकार उसको देखेगी और वो एक प्रदेश अध्यक्ष हैं एक अहम घटक दल के, उसकी इसको स्वरूप में उसी रूप में लेना है। किसी तरह का कोई जदयू और भाजपा में तकरार के रूप में उसे नहीं लेना है। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, शराबबंदी एक सामाजिक तौर पर विषय जुड़ा हुआ है। अगर शराबबंदी कानून के लागू करने में उनको कोई सुझाव होगा तो वो अपना सुझाव देने के लिए स्वतंत्र सुझाव देंगे, उस पर चर्चाएँ होंगी। चर्चा होना जिंदा लोकतंत्र का पहचान है और घटक दल में भी आपस में अगर मन की चर्चा नहीं होगी, लोग उनके सुझाव नहीं होंगे तो लोकतंत्र एक सच्चा लोकतंत्र और जिंदा लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। जिस प्रकार से सर देखा जाए बिहार में कई सालों से शराबबंदी है लेकिन लगातार जहरीली शराब से मौत हो रही है। नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला, वहाँ में आज 4 से 5 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई, तो कहीं ना कहीं शराबबंदी तो फेलियर नजर आ रही है। गोपालगंज में भी कुछ दिन पहले, मुजफ्फरपुर में, तो आखिर कैसे आप लोग लगा? इतने दिन से कानून बना है 302 का, 307 का, चोरी का, डकैती का, मर्डर का, तो अगर उसमें अगर इक्के दुक्के अपराध अगर होते हैं तो आप कानून को फेल नहीं मानेंगे? देखिए, अपराध करना, कुछ लोगों की क्रिमिनल मेंटेलिटी, आपराधिक मनोवृत्ति प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो अपराध करते हैं। देखना होता है कि सरकार कितने मुस्तैदी से उन अपराधियों को अपराध के लिए पकड़ती है और दंडित करती है। तो जो शराबबंदी कानून को तोड़ते हैं वो पकड़े जा रहे हैं बड़ी संख्या में, वो दंडित हो रहे हैं कानून के रूप में, हम लोग उसको उसी रूप में लेंगे। अगर कोई व्यक्ति एक कानून तोड़ दिया इसका मतलब वो कानून फेल हो गया, ऐसा क्या बात है? मान लीजिए मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, अगर कोई मरीज अगर आ जाता है और बीमारी होती है इसका मतलब हम फेल थोड़ी कर गए। बीमारी होती है, बीमारी का इलाज करना हमारा काम है, तो इसी ढंग का है। शराबबंदी कानून लागू है, तत्परता से लागू है, मुस्तैदी से लागू है, जो कोई कानून तोड़ते हैं वो पकड़े जाते हैं, दंडित होते हैं, इतनी ही तो बात है। शराबबंदी कानून अगर कोई तोड़ दिया तो उसका कानून कैसे फेल हो गया? इस तरह का जो 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 एनालॉजी करना हमें लगता है कि उचित नहीं है। सीधे तौर पर डॉक्टर सुनील थे, जिस प्रकार से जदयू और बीजेपी के रिश्तों में लगातार हालिया दिनों में खटास आई है उसको लेकर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सब कुछ आने वाले समय में ठीक हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत हो रही है उसको लेकर सीधे तौर पर कहा कि जो भी जिम्मेवार लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। रोहित, NBC 24, पटना।